प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए मंगलवार को विशेष अभियान चलाया गया। शहर से लेकर गांव तक जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे और सड़कों के साथ पार्क और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर सफाई अभियान चलाया। वाराणसी जिले के 350 से अधिक जगहों पर लगभग 5000 कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत ये आयोजन हुआ। वाराणसी के लंका स्थित मालवी चौराहे पर महामना मदन मोहन मालवी के प्रतिमा की साफ सफाई और माल्यार्पण के बाद इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान चलाया। इसके अलावा जगह जगह रैली भी निकाली गई। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने इसकी शुरुआत की, जिसके बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह पूरे दिन ये अभियान चला। स्वच्छता का संकल्प लिया, आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता है। उनके सेवा पखवाड़े में जो 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर समापन जिसका है, उसमें आज पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। लोग मूर्तियों को धो रहे हैं। हम सब ने यहाँ काशी के गौरव मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति का स्वच्छीकरण करके उसको धो के और फिर वहाँ माल्यार्पण करके ये लंका चौराहे पर स्वच्छता का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मंडल अध्यक्ष ने किया और सारे यहाँ के पार्षद ने किया। सभी लोगों ने मिल के स्वच्छता का जो मोदी जी का संकल्प है उसको और मजबूत करने का हम सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण विभाग के सह संयोजक हेमंत राज ने बताया कि वाराणसी शहर के 90 वार्ड के अलावा ग्रामीण क्षेत्र सहित कुल 350 जगहों पर स्वच्छता का ये मेगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को चलाने के पीछे मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वच्छता के प्रति जागरूक कर सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रयास से भी सभी को जोड़ सके। इससे सीधा हमारा मकसद ये है कि हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड और शहर साफ हो ताकि बीमारियों से भारत को दूर रखा जा सके।